हे गाइस, मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ प्लांटेशन के ऊपर। तो मुझे आजकल प्लांट लगाने का थोड़ा बहुत शौक आ गया था, तो मैं थोड़ा प्लांट्स में ट्राई करी। तो मैं जब ट्राई कर रही थी ना 2-3 मंथ से, तो अभी अच्छे से आप देख सकते हो बहुत सारे लगे हैं। तो मैं अभी आपको बोलूँगी, टिप्स भी बोलूँगी, सो दैट आप भी अच्छे से एलोवेरा प्लांट लगा सकते हो। माई फर्स्ट प्लांट वॉज दिस वन जो मैंने यहाँ पर लगाया है। एलोवेरा प्लांट्स के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये वाला बहुत थिक है एंड ये बहुत थिक है एंड फ्लैशी है। ये बहुत थिन है, लाइक ये छोटा टाइप का है नीचे का। मैंने जब ये लगाया था, इसके अंदर भी छोटा वाला बाजू वाला, इसको ना दो टाइप से आप लगा सकते हो एलोवेरा को। ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्लांट है। फर्स्ट वन आप प्लांट को ही ऐसे छोटे वाले प्लांट्स को लाकर लगा सकते हो थ्रू रूट, या ऐसे नीचे का पूरा एक बड़ा वाला ऐसे स्टेम ऐसे कट कर आप नीचे से पूरा निकल कर इसे लगा सकते हो सॉइल में। आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे। तो स्टेम कटिंग ऐसे स्टेम जाकर लगाना थोड़ा बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट लगा। मैंने 2 बार ट्राई किया था तो मुझसे नहीं हुआ। आई डोंट नो मैं कौन सा मिस्टेक करी थी। मुझे लगा कि मैं इसे डायरेक्ट लगाऊंगी। तो मैं जब लगाई थी तो 1 मंथ 2 मंथ तक एक एक ग्रो ही नहीं होते। 1, 2, 3 एंड ये तीनों मैंने एक ही टाइम को लगाए थे। सारे छोटे ही थे बट उसकी डिफरेंस आप देख सकते हैं, एक एक साइज़ में ग्रो हुआ है। एंड ये दोनों बड़े होने के बाद भी इसके नीचे ना इसे बाजू क्या होता है, ये ग्रोइंग होना स्टार्ट करता है छोटा छोटा। मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकती हूँ। ये एक प्लांट है, ये एलोवेरा प्लांट है। इसके बाजू यहाँ पे छोटा वाला एक ग्रीन कलर का आ रहा है। या 1 सेकेंड गाइस, पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। यहाँ पे ग्रीन कलर का छोटा आ रहा है, ये भी बड़ा होकर ऐसे बनेगा। फर्स्ट ऐसे बनेगा, नेक्स्ट ऐसे बनेगा, वो नीचे से निकलेगा विथ रूट, वो निकलेगा ऐसे। इसका भी एक आया था तो नीचे मैं न्यू सॉइल लगाई थी, मैं अभी रेड सॉइल लगाई थी तो चला गया नीचे, फिर से वो भी ऊपर आएगा। सो दैट आपको इसको ना थोड़ा कम पानी डालना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर का मिट्टी आपको इसे ड्राई लगे हैं तो हाथ को नहीं लगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा वाटर डालना चाहिए। अगर आज कोई भी आज तक ना प्लांट्स प्लांटिंग करने का ट्राई नहीं किया, बालकनी गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग, सो यू कैन ट्राई चिलीज। तो मैंने 1 मंथ बैक ही चिलीज को ट्राई किया था। यू जस्ट टेक 1 चिली वाला बड़ा वाला, कौन सा भी अच्छा वाला चिली ले लो एंड उसका पूरा एक डाल दो, कौन सा हेल्थी एंड अच्छा लगेगा आपको। तो मैंने ड्राई वाला डाली थी मैं, बहुत सारे हुए थे। इनफैक्ट पूरा ग्रीन हुआ था, छोटे छोटे इतने आए थे। तो उसमें से मैंने पहले 10 बचाए और सारे मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दिया था बाजू में। एंड बाद में 5 बचाई थी एंड बस अभी 3 बचे, 1, 2, 3, क्योंकि न्यूट्रिशियस इसको चाहिए। मैं अच्छे से उसको भी प्लांटिंग को वाटर कर रही हूँ। कैन वाटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर आल्सो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। इसके अंदर आई थिंक 1 मंथ के अंदर चिली आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तब आपको दिखा दूँगी। ओके, 1 सेकेंड गाइस। तो अभी मैं आपको डिफरेंट दिखा रही हूँ। ये कोतुम्बीर ये बोलते हैं ना धनिया, मैंने लगाकर 3 दिन हुआ है, अभी तक जर्मिनेशन नहीं हुआ, शायद नीचे वाले हुए होंगे। इसका ना 2 पीसेस बनाकर आप लगा सकती हो, या पहले आपको ना या 2 पीसेस करने के बाद आप लगा सकती हो एंड थोड़ा बहुत ऊपर सॉइल लगा सकती हो, नीचे ड्राइनेज के लिए खोल कर सकती हो। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डालो, ज़्यादा पानी मत डालो। जैसे ही ये बड़ा होगा मैं आपको दिखा दूंगी कि इसके रिलेटेड अपडेट्स एंड ऑल। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे।